दोस्तों, ये जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है भाई, ये तो पूरी बुरी तरीके से फंस चुका है यार। दूसरा दिन है और मैच पूरी तरीके से फंस गया। मतलब इसमें ज़्यादातर उम्मीद है इंडिया जीत सकता है, लेकिन एक ऐसा रिकॉर्ड है भाई जिसकी वजह से हमें लग रहा है इंडिया का काम खत्म हो सकता है। पहले हम बात करेंगे कि ये जो तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है उसके दूसरे दिन कौन अच्छा प्रदर्शन किया। पहले तो अगर देखा जाए तो भाई बॉलर हमारे बहुत अच्छा किए, रविंद्र जडेजा 4 विकेट लिए। उसके बाद में अश्विन क्या किए, वो भी भाई 3 विकेट लिए। सुंदर ने 1 विकेट लिया, उसके बाद में आकाशदीप ने 1 विकेट लिया। हालांकि सिराज बॉलिंग नहीं किए इसलिए उन्हें कोई विकेट नहीं मिला और शायद उन्हें बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला। कोई बात नहीं, हालांकि मतलब अच्छे प्लेयर हैं, सिराज इज अ गुड प्लेयर, लेकिन इस समय वो एकदम फ्लॉप चल रहे हैं, मैं तो सिंपल सी बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे इंडिया कैसे जीत सकता है, क्यों हार सकता है, ये बात करते हैं भाई। अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड क्या किया, 143 रन का लीड बना चुका है सिंपल सी बात में। और अगर देखा जाए वानखेड़े का जो स्टेडियम है भाई, तीसरे चौथे दिन या मतलब फोर्थ इनिंग में क्या सीन होता है, जो भी चेज करने जाता है भाई, हाईएस्ट उसका 163 रन हाईएस्ट रन चेज है, मतलब उससे ज़्यादा कभी चेज ही नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई वो ज़्यादातर 2 नंबर में ही चेंज होता है, जैसे 80, 90, 99 रन इतने में चेंज होता है। जैसे 110-115 हो जाता है भाई, मुश्किल एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब इंडिया के लिए भाई ये मैच मतलब जीत भी सकता है, हार भी सकता है। ज़्यादातर चांस जीतने का हमें लग रहा है, क्योंकि नहीं हारने का लग रहा है, क्योंकि अगर देखो रोहित और विराट का एकदम फ्लॉप ही चल रहे हैं। सरफराज खान भाई जब से 150 रन बनाए उससे उनके बाद उससे रन ही नहीं बन रहा, 150 रन बना के वो बैठ गया कि भैया हम ही राजा हैं, अब हमको मतलब रन नहीं बनाने की ज़रूरत है। तो जब तक सरफराज और विराट रोहित रन नहीं बनाएंगे भाई समस्या तो है ही। उसके बाद अगर देखा जाए आज अच्छा प्रदर्शन किया सुमन गिल ने भाई, 90 रन की पारी खेली, हालांकि 45 रन पे उनका एक कैच छूटा था। उसके बाद अगर देखा जाए तो ऋषभ पंत ने अच्छा किया, वो भी अच्छा किए थे, मतलब बढ़िया 50 अपना मारे, अच्छा किए। इंडिया का मैच यही फंसा हुआ, अब देखने वाली बात है तीसरे दिन में इंडिया क्या कर सकता है। इंडिया भाई जब बैटिंग करेगा अच्छा, रोहित विराट करेंगे, तभी कुछ काम होगा, नहीं तो तीसरा टेस्ट मैच भी इंडिया के हाथ से जा सकता है।